हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आ गए हमारा चैनल धीरज मिक्सिंग ब्लॉगर। तो फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं उत्तराखंड के वादियों में, और वादियों में एक्सप्लोर करने वाले हैं श्री बद्रीनाथ जी का मंदिर। जो हम लोग बद्रीनाथ जी का यहाँ पे पहुँच चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं मंदिर की ओर, और देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत है। चलते हैं मंदिर की ओर और दिखाते हैं मंदिर का नज़ारा, बने रहे हमारे वीडियो में। मेरी बैटरी भी भाई फ़ोन की बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, पता नहीं ब्लॉग शूट हो सकता है या नहीं हो पाएगा, देखो क्या होता है। सकते हैं ये बद्री नारायण मंदिर पहुंचने से पहले आपको जो पहाड़ी का नज़ारा दिखेगा ना, बहुत ओसम है गाइस, बहुत ज़्यादा। आपको ये अपने तरफ एट्रैक्टिव कर लेगा, मतलब खिंचाव करेगा भाई। ये देख सकते हो ऊपर में ये बर्फ भी पड़े हुए हैं, और श्रद्धालु सब दर्शन करके आ रहे हैं, हम लोग भी दर्शन करने जा रहे हैं। मुझे खांसी बहुत हो गई भाई, बहुत दिन से ठंडे में हूँ। केदारनाथ ने यात्रा हुआ, तुंगनाथ यात्रा हुआ, अब बद्रीनाथ यात्रा हो रहा है। बस बाबा बुला रहे हैं, मैं आ रहा हूँ भाई। बस पहुँच चुका हूँ मैं मंदिर की तरफ। यहाँ पे बहुत सारे ढोंगी बाबा मिल जाएंगे, उसे बच के रहना है आप। इधर से आए हैं और ये साइड है बाबा केदारनाथ मंदिर, सॉरी बाबा बद्रीनाथ जाने का मंदिर। तो हम लोग चलते हैं मंदिर की ओर। ये रहा बद्रीनाथ मंदिर जाने का रास्ता। भाई मेरा बैटरी बहुत कम हो गया फ़ोन का, इसलिए थोड़ा वीडियो फुल शूट नहीं कर पाऊँगा, शॉर्ट में काम चलाएंगे भाई। देख लेना भाई, सब आपके हाथ में है, पर जो भी बताऊँगा सच बताऊँगा। ये देखो बाबा साहब, ढोंगी बाबा हैं ये लोग, इन लोग से बच के रहना भाई। अभी नीचे में है मंदिर, मुझे कुछ कुछ दिखाई दे रही है बाबा के मंदिर, पर आपको नहीं दिखाई देगी। चलते हैं दिखाएंगे आपको भी सामने से। ओ भाई जय श्री बद्री नारायण। ये देखिए बाबा को देख सकते हैं। यहाँ पे आपको जो दिख रहा है भीड़, ये आपको दर्शन करने से पहले आपको दर्शन टोकन लेना पड़ेगा। जैसे ही बद्रीनाथ मंदिर की रास्ता जिसमें जाती है ना, वहीं पे आपको ये मिल जाएगी टोकन। और ये रहे हमारे बद्री नारायण, उसको दिख रहे हैं पर चलते हैं वहाँ पे ही आपको दिखाएंगे। पर आप टोकन ले लीजिएगा, नहीं तो दर्शन नहीं होगी आपकी। जिनकी अगर यात्रा पर्ची बनी हुई है तो आप यहाँ से डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करते नहीं है, तो आधार कार्ड लेकर जाएं और आपको दर्शन पर्ची मिल जाएगी बद्रीनाथ जी का। गाइस आप कर सकते हैं बद्री नारायण जी का आप दर्शन। ये रहे सामने में बद्रीनाथ जी का मंदिर, और चलते हैं हम लोग दर्शन की तरफ। और हाँ, बद्री विशाल गाइस, आपको बद्री नारायण मंदिर जाने से पहले आप ये तप्त कुंड देख सकते हैं, यहाँ पे जहाँ पे गर्म पानी निकलती है, यहाँ पे सारे श्रद्धालु स्नान करते हैं और इसके बाद दर्शन करते हैं। ये रहा, स्कूल से आने के बाद आपको सीधा इधर आ जाना चाहिए। ये रहा नजारा, ये दर्शन के लिए कितने लंबी लाइन लगी हुई है सामने में। ये हमारे बद्री नारायण जी, दर्शन कीजिए। हर हर बद्री नारायण की जय। जय बद्री नारायण, जय बद्री नारायण। गाइस हम आते हैं दर्शन करके, उसके बाद आपको फिर बताते हैं यहाँ का क्या है सीन। बद्री नारायण है, देखते हैं बद्री नारायण का नजारा। वो जा रहे हैं बद्री नारायण जी का दर्शन। चलो 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 चलो
अंदर पहुंच गए हैं। यहाँ वीडियो करना अलाउड नहीं, पर हम सारे लोग को देखकर हम भी करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। पर आपके लिए दिखा दे रहे हैं आपको सीन बैक कैमरा से। ये देखिए, ये रहा बद्री नारायण जी का इधर इधर का नज़ारा। जय बद्री, जय जय स्वामी नारायण। देख सकते हैं मंदिर के अंदर का नज़ारा बद्री नारायण जी का। जय स्वामी नारायण, जय स्वामी नारायण। फाइनली गाइस हम लोग बद्री विशाल जी का दर्शन कर लिए हैं और चलते हैं बाहर की। बहुत बढ़िया से दर्शन हो गई। हर हर बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय बद्री नारायण। गाइस हम लोग अब जा रहे हैं बाहर और हमारी दर्शन बहुत बढ़िया तरीके से हो गई श्री बद्रीनाथ जी का। तो चलते हैं बाहर और जो भी होगा कुछ बताएंगे डिटेल्स में। इस ब्लॉग को करते हैं पेंट और मेरे फुल वीडियो देखें, सारा आपको डिटेल्स मिल जाएगा। हर हर बद्री, जय बद्री नारायण। हर हर सफारी में